तो इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की इस वीडियो सीरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शनल ट्रम एंड एनाटॉमिकल लाइंस। पिछले कुछ वीडियो में हमने बात की थी एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी की ब्रांचेज क्या है, फिजियोलॉजी क्या है और फिजियोलॉजी की ब्रांचेज और आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी नर्सिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं चंद्र प्रकाश बिश्नोई आपका नर्सिंग इंटर्नशाला यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि भविष्य में हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, डायरेक्शनल ट्रम एंड एनाटॉमिकल लाइंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब अपन यहाँ पे बात करते हैं एनाटॉमिकल लाइंस की। एनाटॉमिकल लाइंस दोस्तों, जैसे ये यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ खुद का फोटो। तो एनाटॉमिकल लाइंस के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो ये खूबसूरत सा इंसान है, वो मेरे रूप में यहाँ पे आ गया है, काफ़ी खूबसूरत है। जितना मैं खूबसूरत हूँ उतना इसको मैंने बना दिया है, ये अपना बन गया है। तो दोस्तों, अब लाइंस है, लाइंस में आपके पास मेनली चार पांच प्रकार की लाइंस होती है। पहली होती है दोस्तों मिड लाइन। मिड लाइन पहली कौन सी होगी दोस्तों? मिड लाइन आपकी पहली लाइन होगी दोस्तों, मिड लाइन। मिड लाइन, मिड लाइन कहाँ से जाएगी दोस्तों? मिड लाइन होगी, पहले लाइंस होती क्या है दोस्तों? लाइन होती है जो हाइपोथेटिकल लाइंस होती है, इमेजनरी लाइंस होती है, जो अपनी हमारी जो बॉडी है उसको भागों, दो भागों में डिवाइड करती है। तो मिड लाइन होगी वो दोस्तों क्या होगी, ये आपकी कहाँ से गुजरेगी, ये क्या होगी? पहली बात तो पहले मैंने बता दिया, इमेजनरी लाइंस होगी, इमेजनरी लाइन। और ये कहाँ से गुजरेगी दोस्तों? हमारा जो ये होगा, जो मीडिया स्टर्नम यहाँ पे आपका होता है, जो वहाँ से होके गुजरेगी, कहाँ से? मीडिया स्टर्नम से होके गुजरेगी। और ये दोस्तों हमारी जो बॉडी होती है उसको दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है, डिवाइड्स बॉडी इंटू टू इक्वल पार्ट, इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट के अंदर आपकी डिवाइड करेगी। इक्वल जहां पे आपकी दोस्तों एक नोस्ट्रिल राइट साइड में जाएगा, एक लेफ्ट में, एक आई लेफ्ट साइड में, एक आपकी आई राइट साइड में, एक ईयर लेफ्ट साइड में, एक ईयर आपका राइट साइड में। तो आपकी ये दो जो होगी इनको इक्वल भागों में आपका जो ह्यूमन बॉडी है उसको बांट देगी। अब अपन बात करते हैं दोस्तों नंबर दो लाइन, ये होगी दोस्तों आपकी क्लेविकुलर लाइन। क्लेविकुलर लाइन जो हमारी दोस्तों ये क्लेविकुलर बोन होती है, क्लेविकुलर बोन होती है, ये इसको दो भागों में डिवाइड करेगी। किसको? क्लेविकुलर बोन को, इसको दोस्तों कोलर बोन भी अपन बोलते हैं। अब ये दोस्तों दो प्रकार की हो सकती है, एक आपकी राइट, क्योंकि आपकी दो होती है क्लेविकुलर बोन, तो एक आपकी राइट हो जाएगी, एक आपकी लेफ्ट हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपकी कहाँ से गुजरेगी, तो अपन एक मिनट यहाँ पे बात करते हैं। जैसे ये आपकी क्लेविकुलर लाइन है, तो ये इन लाइंस को आपकी जो क्लेविकुलर लाइन है, आगे अपन जब रीजन पढ़ेंगे तब इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी क्लेविकुलर लाइन को। तो ये आपकी दोनों कौन सी लाइन होगी, क्लेविकुलर लाइंस। तो ये जो आपकी क्लेविकुलर बोन होती है उसको दो भागों में बांटती हैं, और ये आपकी नंबर्स में दो होगी, एक आपकी राइट होगी और एक आपकी लेफ्ट होगी, और ये आपकी होगी मीडियम लाइन। अब एक आपकी आती है थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में दोस्तों कौन सी होती है, ये आपकी लाइन होगी एक्जिलरी लाइन, एक्जिलरी लाइन, एक्जिलरी लाइन। ये दोस्तों आपकी जो एक्जिला है, जो ये आपका भाग है, इसको दो भागों में बांटेगी। तो ये आपकी जैसे खूबसूरत सी एक्जिला है, इसको दो भागों में बांटेगी। ये भी दोस्तों आपकी दो होगी। अब आप पूछोगे क्यों,
क्यों होगी दोस्तों? दो, क्योंकि हमारी जो एक्जिला होती है दोस्तों उसके दो फोल्ड होते हैं, एक एंटीरियर फोल्ड होता है एक पोस्टीरियर फोल्ड होता है। तो एक लाइन होगी वो मिड एक्जिलरी लाइन होगी, तो एक होगी आपकी पोस्टीरियर मिड एक्जिलरी लाइन और एक कौन सी होगी? अब दोस्तों जो पीछे अपने ट्रम पड़ी थी ये यहाँ पे आ रही है पोस्टीरियर मिड एक्जिलरी लाइंस, और एक होगी आपकी एंटीरियर मिड एक्जिलरी लाइंस। तो दोस्तों ये होगी, अब आपकी चौथी लाइन और आएगी फोर्थ नंबर, वो होगी दोस्तों आपकी ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन दोस्तों क्या होगी? ये दोस्तों आपकी जो बॉडी है इसको ट्रांसवर्सली काटेगी, ट्रांसवर्सली काटेगी और बॉडी को दो भागों में डिवाइड करेगी। तो दोस्तों इस हिसाब से आपकी डायरेक्शनल ट्रम है और एनाटॉमिकल लाइंस है वो खत्म होती है। दोस्तों नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि भविष्य में हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।